बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अब्दुल हफीज अब्दुल हक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube न्यूज चैनल। आज हम लोग एक ऐसे ट्रेंडिंग मुद्दे पर बात करेंगे जो पूरे इंडिया का सबसे टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है। आप जो अभी मामला चल रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाला मामला है, पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी आता है और अपने टीआरपी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करता है, ये बहुत बुरा अमल है और सरकार को हमने बार बार कहा है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कि जो आप मामले ये है कि जब गैर मुस्लिम जब गैर लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने गुस्ताखी करे तो उसके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं और उसको फांसी की मांग करते हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। लेकिन जब कोई ये काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर कोई मुसलमान करे तो उसके लिए कौन खड़ा होगा, उसे कौन रोकेगा। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि 12 वफ़ात यौम विलादत, हमने उस दिन जश्न विलादत मनाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन 12 रबीउल अव्वल को हमने एक शानदार जश्न मनाया है। और ये आज से नहीं मना रहे हैं, ये पीछे काफी सालों से काफी समय से चलता आ रहा है। हम लोग उस दिन खुशियां मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, नाच पढ़ते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि अभी इस साल तो हद ही पार कर दी गई कि जुलूस के अंदर अटम बम फोड़ा गया, आतिशबाजी, जो इस्लाम से बिल्कुल मना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नागवार है। उसके बाद इसी जुलूस के अंदर कलर खेला गया, इसी जश्न विलादत के अंदर पानी, जो होली के अंदर कलर का पानी खेलते हैं फव्वारा लगा के, तो वो खेला गया। तो ये सब क्या है, मुझे बताओ कि ये गुस्ताखी नहीं है तो क्या है। उसके बाद डीजे के ऊपर आज नाद बजाई गई और उसके अंदर संगीत, भरपूर संगीत डाली गई। और मैंने कई जगह ये भी देखा कि हमारे नौजवान नाक के ऊपर थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, जो कि शरान और सख्ती से उलमा इकराम मना करते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे उलमा इकराम का सीरतुल नबी के ऊपर प्रोग्राम हुआ, 12 रबीउल अव्वल से पहले हमारे दुनिया शहर के एक मशहूर आलिम दीन हमारे मुफ्ती कासिम जिलानी मौलाना मुख्तार साहब, इन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई और इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि नाक के अंदर डीजे गाना संगीत वगैरह बिल्कुल सख्ती से मना है, लेकिन हमारे लोग इस जुलूस के अंदर डीजे पे नाक बजाए और लोग नाचे, झंडे घुमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई है उसके मुखालफत करते हुए हमने उसके अगेंस्ट काम किया है, सुन्नतों के अगेंस्ट काम किए। तो आप मुझे बताओ कि ये गुस्ताखी है या नहीं है, और अगर ये गुस्ताखी है तो फिर इसको रोकेगा कौन, इसके बारे में आवाज कौन उठाएगा, इनकी सजा के बारे में बात कौन करेगा। उसके लिए भी तो हमें आगे आना होगा ना, उलमा की बात मानना पड़ेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये ऐसा काम ना करें जिससे हमारे नबी के पास जब हमारा अमाल जाए तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचे और उनको बुरा लगे, जो इस्लाम के खिलाफ है ऐसा भी कोई काम ना करें।